सकते हैं आप। भूखे मरने से अच्छा है कि गुने दाखिल करके मर जाओ। अगर लाठीचार्ज होती है, अगर हम मरते हैं, तो वो हमको कबूल है, भूखे मरने से बेहतर है। क्योंकि तो आज जो काली पीली टैक्सी का जो कंडीशन है, पत्रकार महोदय, मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप बता रहा हूँ, उस वीडियो क्लिप को आप जूम करिए। ओके, ये देखिए। लेकिन उस्मान भाई, कहीं ना कहीं आपकी जो गीदड़ भमकिया यहाँ पे चल रही है पिछले एक महीने से, मैं भी न्यूज कवर कर रहा हूँ, हम गाड़ियाँ लेकर आ जाएंगे, महानगर पालिका बंद कर देंगे, तो अब ये डरना बंद होगा? आपसे डर रहे नहीं ये लोग, मतलब उनको मालूम है उस्मान भाई सिर्फ बोलते और चले जाते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? अब हाथ हो गई हमारी, अब इसके बाद महानगर पालिका के अंदर आएंगे तो बाल बच्चों के साथ और काले पीलों के साथ आएंगे। शासन को अगर जो भी हम पे अन्याय अत्याचार करना है करेंगे। उस्मान भी क्या कहेंगे आज फिर एक बार निकम साहब से मुलाकात, निवेदन दिए आपने, क्या कहेंगे, क्या बोलना है? महानगर पालिका को इससे पहले हमने जो है तो 15 दिन पहले, उससे एक महीना पहले दो पत्र दिए थे कि भाई जो है तो स्मार्ट सिटी बस जो है तो महानगर पालिका के हद में चलना चाहिए, महानगर पालिका के हद में बस जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो है तो ये लोग जो है तो मानने को तैयार नहीं है। अभी तीसरे से आज मेरी निकम साहब से बहस हो गई, आज मैं उन्होंने एक पत्र दिया मुझे कि भाई जो है तो बस सेवा जो तो हम जो चलाने वाले हैं कि महानगर पालिका के हद से 20 किलोमीटर दूर चलाने वाले, जबकि उनका ये रवैया एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। हमने उनको विभागीय आयुक्त का जो है तो 2005 का एक पत्र दिए कि भाई ये पत्र के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि महानगर पालिकाच्या हद्दीपासून, महानगर पालिकाच्या हद्दीमध्ये बस स्टँडपासून महानगराच्या पालिकेच्या हदमध्ये से 20 किलोमीटरच्या अंतरामध्ये गाड़ी चालवा। वो जी आर को उन्होंने वो अपने उनके विभागीय आयुक्त के पत्र को जो उन्होंने भाई मल्लिक करे उनका अवमान करे, और आज मुझे एक नया पत्र दिया उन्होंने कि भाई तुम जो तो कोर्ट में जा सकते। अब हम कोर्ट में जाने वाले नहीं हैं, हमको अब हमारे पूरे लोगों से 1500 काली पी लिए, 1500 काली पी लिए, इनकी एक तत्काल एक मीटिंग आयोजन करके, मीटिंग का आयोजन करके हम इनसे मशवरा करके जो है तो क्या करना है आगे की रूपरेखा ठहराएंगे और उसके बाद हम काम चालू करेंगे हमारा। उस्मान भाई, ये दिवाली सामने है, महंगाई का दौर चल रहा है, और अगर इस तरीके से महानगर पालिका करेंगी तो आप लोगों को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? दिवाली आप लोगों की सही से मनेंगी? नहीं, होने वाली नहीं है दिवाली। आज ये लोग जो तो स्मार्ट सिटी वाले जो है तो बस के अंदर जो है तो जानवर बकरिया की जैसी जो है तो भर रहे पैसेंजर, और अभी मैंने निकम साहब को बताया वो कैसे चलता, मैंने तुम चार लोग ने भरता वापस, मुझे निकम साहब ने ऐसा कहा तुम्हारे लोग भी भरे तो हमने भरे तो क्या हुआ। आज हम जो है तो रोज का 200 रुपए गाड़ी घर से निकाले तो रोज का 200 रुपए पहले जो है तो आरटीओ ऑफिस का हमको उसका ये निकालना पड़ता टैक्स इंश्योरेंस पासिंग का, ऐसे साल को जो है तो 50 से 55 हजार रुपए जो है तो आरटीओ ऑफिस को भरते उसके बाद जो है तो हम गाड़ी रोड के ऊपर निकालते, वरना ये आरटीओ जैसे तो गाड़ी निकालना देता। लेकिन उस्मान भाई, कहीं ना कहीं आपकी जो गीदड़ भमकिया यहाँ पे चल रही है पिछले एक महीने से, मैं भी न्यूज कवर कर रहा हूँ, हम गाड़ियाँ लेकर आ जाएंगे, महानगर पालिका बंद कर देंगे, तो अब ये डरना बंद होगा? आपसे डर रहे नहीं ये लोग, मतलब उनको मालूम है उस्मान भाई सिर्फ बोलते और चले जाते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? इंशाल्लाह इसके बाद जो है बहुत जल्द तत्काल मीटिंग लेके आपको गिदड़ भक्ति का जवाब भी इंशाल्लाह ये महानगर पालिका मिलेगा, और आप ही बोलेंगे यार ये गिदड़ भक्ति नहीं है तो शेर भक्ति थी, और उस्मान भाई ने जो है शेर भी जब छलांग लगाने की तो 2 कदम पीछे हटता उसके बाद छलांग लगाता, इंशाल्लाह वैसी छलांग लगा के बताएंगे, और अंदर अधिकारियों को सड़ो चाहे पड़ो करूँ सोड़ा आम्मी दिवाड़ी पहले कि नंतर आता फक्त मीटिंग हो दे आमची क्या करें। हमेशा आखिरी में मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, आपका जब भी निवेदन रहता है आपका अगला कदम क्या रहेगा? मुझे लगता है जवाब फिर से वही आपका मुझे सुनने को मिलेगा, अगला कदम क्या है आपका? अब हद हो गई हमारी, हाँ अब हद हो गई हमारी, अब इसके बाद महानगर पालिका के अंदर आएंगे तो बाल बच्चों के साथ और काले पीलों के साथ आएंगे। शासन को अगर जो भी हम पे अन्याय अत्याचार करना है करेंगे, अब हमारी हद हो गई, अब भूखे मरने की नौबत आ गई गाड़िया वालों को, गाड़िया वाले परेशान हो गए, इसलिए जो तो 4 बार यहाँ आ गए, 4थे से यहाँ आने वाले और तीसरे से इंशाल्लाह 4थे से आएंगे तो हल्ला बोल करके आएंगे इंशाल्लाह, जो भी प्रशासन कर रहे कर ले। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम उस्मान शाह है, मैं अभी माजी शिव वातुक सेना जिला प्रमुख अभी का शिंदे सरकार में शिंदे गट के अंदर जो है जिला उप प्रमुख है शिवसेना। ओके, थैंक यू सर। हाईवे है और आने के बाद में महानगर पालिका के कुछ अधिकारी आए, उन्होंने वही 91-95 के जीआर बता रहे हैं,
और वो जीआर बताकर गोर गरीब के पेट पर लात मारने की कोशिश हो रही है। आज स्मार्ट सिटी बस जो चालू हुई औरंगाबाद से फुलमरी, इनके हद स्मार्ट सिटी बस बोले तो इनके हद सिर्फ औरंगाबाद में, लेकिन ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ से महानगर पालिका खत्म हो रही और जहाँ से ग्रामीण चालू हो रहा वहाँ से आगे 20 किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, ये सब उस्मान भाई ने बता दिए। आप अभी उतरते वक्त बोल रहे थे मरने से अच्छा है गुना हम पे दाखिल होना, तो क्यों ऐसा बोल रहे थे आप? भूखे मरने से अच्छा है कि गुने दाखिल करके मर जाओ। अगर लाठी चार्ज होती है, अगर हम मरते हैं तो वो हमको कबूल है, भूखे मरने से बेहतर है। क्योंकि आज जो काली पीली टैक्सी का जो कंडीशन है, गाड़ियां भरी रहने रहे, जाने के 200-300, आने के 200-300, डीजल कितने का लग रहा, पैसे कितने बच रहे, 100-150 रुपए घर पे ले जा रहे, बाल बच्चों को क्या लेकर जाना। तो ये भूख से मरने से बेहतर है अगर ये अधिकारियों के लाठी चार्ज हमारे ऊपर गिरे और मरे तो न्याय के लिए मर रहे ना। संविधान चलेगा या दादागिरी चलेंगी, इसका जवाब हमको आप दो। हम संविधान के दायरे में चलेंगे, संविधान के बाहर नहीं चलेंगे जी। संघर्ष करके आगे चलेंगे। महापालिका का एक आरोप ये भी है कि आप जो है तो बहुत ज्यादा जो है तो सीट अपने गाड़ियों में भर देते हैं, हम फिर भी कार्रवाई नहीं करते, आरतियों को नहीं बोलते हैं हम, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? पत्रकार महोदय, मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप बता रहा हूँ। हाँ। उस वीडियो क्लिप को आप जूम करिए। ओके ओके, ये देखिए आप, स्मार्ट सिटी बस। हाँ, पूरी फुल भरी हुई है ये, इसमें आपका क्या कहना है आप बोलिए। चल, अब जब हम अगर इतनी सीट बिठाते हैं, हमारे 1-2 सीट अगर और हो जाता है ओके, ये लोग हमारे पे ऑब्जेक्शन उठा लेते। बिल्कुल, तुम मेंढ्या सरीके भरते, बकरिया सरीके भरते, और आज जो कंडीशन से जी रहे हम, ये कंडीशन कैसा लग रहा आपको? ये R2 को दिख रहा नहीं है कि ये जो महानगर पालिका की जो बस है इसमें जो है तो 60-70 लोग बैठ गए। ये बस कितनी सीट की है ये तो आप मीडिया के सामने, मैंने आपको बता दिया वीडियो क्लिप, ये कितनी सीट है। अगला कदम जो हमारे जिला प्रमुख बोले कि हम आप यहाँ पर आने वाले नहीं है, हम इसके बाद में रोड पर उतरेंगे। जिला प्रमुख का जो हमारा आदेश रहेगा वो आदेश के ऊपर हम चलेंगे। जिला प्रमुख अगर हमारे रोड पर उतरना चाहते हम सब रोड पर आ जाएंगे बाल बच्चे लेकर, और नहीं तो मनपा में घुस जाएंगे, महानगर पालिका में गाड़ी के साथ बाल बच्चे औरत सब लेके घुस जाएंगे। क्योंकि हम भूख से मर रहे, और भूख से मरने से बेहतर है कि आपकी लाठी खाकर मर जाए। आपका नाम बोलिए पूरा। जमील शेख, श्री वातुक सेना, फुलमरी तालुका कार्य अध्यक्ष। तो बातचीत किए और स्मार्ट सिटी वरिष्ठ अधिकारी जो है वो आए, उनके हमारी डिस्कस हुई। डिस्कस होने के बाद में उन्होंने TRI के हिसाब से हमको परमिशन मिली है, तो हमने लेटर मांगे है उसके बारे में। और इनको जो है तो शहर की 10 किलोमीटर की हद में चलने का परमिशन है ये, लेकिन माननीय एडिशनल कमिश्नर साहब उन्होंने 2011 के 2001 में जो है तो डिसीजन दिए थे कि महामंडल की बस 20 किलोमीटर तक चले, लेकिन इनके लिए परमिशन 20 किलोमीटर की नहीं दिए, सिर्फ महामंडल की। और ये स्मार्ट सिटी प्राइवेट सेक्टर की है, इसलिए हमारा बोलना है ये सिर्फ 10 किलोमीटर में जो है तो चलना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर ये जाती है तो इलीगल तरीके से, अगर इसमें एक्सीडेंट होता है कुछ होता है तो बाकी के पैसेंजर को क्लेम कौन देगा? ओके, आपका नाम बोलिए। सैयद जावेद, सैयद अजीज, शिव वातुक सेना, तालुका प्रमुख, फुलमरी।